गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल. ओके, चस्का कटहल का हमारा पार्ट 4 है. चस्का कटहल का. बच्चों आप लोग बताइए, आप लोग सब सब्जी खाते हैं ना? हाँ, बिकॉज इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. हम लोग को सब सब्जियाँ खानी हैं, सब फलों को खाना है. बट बिफोर वी यूज़ दैट वी शुड वॉश आर हैंड्स. हम लोग को खाने से पहले अपने वॉश हैंड वॉश करने चाहिए. सब्जियाँ फ्रूट उनको भी वॉश करना चाहिए. ठीक है, वी शुड वॉश आर हैंड्स, वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग वी शुड ऑल्सो वॉश आर हैंड. खाने के बाद भी हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए. एंड इन मॉर्निंग वी शुड प्रे गायत्री मंत्र. मॉर्निंग में हम लोग को क्या प्रे करना चाहिए? गायत्री मंत्र. आफ्टर टेक अ बाथ यू शुड प्रे टू गॉड गायत्री मंत्र एटलीस्ट 5 times. 5 बार आपको गायत्री मंत्र को पढ़ना है. ठीक है, और इन इवनिंग ऑल्सो शाम को भी आपको 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है और भगवान से प्रेयर भी करनी है कि इस बीमारी को जल्दी से हमारे विश्व से दुनिया से दूर कर दें या इसकी दवा निकाल दें. सब बच्चे प्रेयर करते हैं कोरोना के लिए, करते हैं कि कोरोना जल्दी से चला जाए, है ना? सब हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, कोरोना जल्दी से जल्दी इस दुनिया से चला जाए. ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना पार्ट 4 चस्का कटहल का पढ़ेंगे. आप लोग कटहल खाते हैं? डू यू लाइक कटहल? आप लोग को पसंद है कटहल? वेरी गुड. कटहल सब खाते हैं ना? कटहल टेस्टी लगता है. ये पूरी कहानी एक कटहल पर है. चलिए आइए उसके बारे में पढ़ते हैं. नसीब कपड़ों का व्यापारी था. एक नसीम है, वो कौन था? कपड़ों का व्यापारी, मतलब बिजनेसमैन था, कपड़ों का व्यापार. एक बार वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश गया. होटल के सामने रख कर वह बाजार होटल में सामान रख कर वह बाजार घूमने गया. फल वाले की दुकान पे उसने क्या देखा? कटहल देखा. यह फल उसने पहली बार देखा था. भाई इसे क्या कहते हैं? इसे कटहल कहते हैं. उसने फर्स्ट टाइम देखा था इसलिए उसको उसका नाम नहीं पता था, तो उसने बता दिया इसका नाम कटहल है. नसीम ने कटहल उठाया, उसे सूंघा. वाह क्या खुशबू है, जरूर स्वादिष्ट भी होगा. भाई यह कितने का है? उसे वो अच्छा लगा इसलिए उसने उसका रेट पूछा. अरे यह तो बड़ा सस्ता है भाई, 1 दे दो. नसीम ने उसे खरीद लिया. नसीम सड़क के किनारे बैठकर पूरा कटहल खा गया. कटहल का सारा रस उसके मुंह, हाथ, बालों और कपड़ों पर लग गया. उसने रुमाल से पोंछ कर उसे साफ करना चाहा. अब उस कटहल में एक तरीके का जूस होता है, वो स्टिकी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, वो उसके सब जगह लग गया. जब रुमाल से पोंछने पर उसके हाथ साफ नहीं हुए तो वह नल पर हाथ धोने चला गया. जब रुमाल से भी उसके हाथ नहीं साफ हुए तो वो नल पर हाथ धोने के लिए चला गया. पानी से हाथ धोने के बाद उसके हाथ और चिपचिपाने लगे. उसने पानी से धोया था, वो और स्टिकी हो गया पानी से. ठीक है, तभी जोरों से आंधी चलने लगी. कागज, पंख, पत्ते उड़कर नसीम की दाढ़ी, मुंह, बाल और कपड़ों से चिपक गए. बच्चों जब आंधी होती है तो क्या होता है? कागज, पंख, पत्ते, ये सब चीजें उड़ने लगती हैं. ठीक है, और सब उड़ उड़ के उसकी दाढ़ी से चिपक गए. रास्ते में जो कोई उसे देखता वो हंसने लगता था. ठीक है, नसीम लोगों से बचता हुआ एक सुनार की दुकान में घुस गया और हड़बड़ी में मेज से टकरा गया. अब वो सब हंस रहे थे तो एम्बेरेस्ड फील कर रहा था, उसे खराब लग रहा था. तो क्या हुआ, एक सुनार की दुकान में गया और हड़बड़ी में मेज से
टकरा गया, एक हीरा नसीम के कपड़ों पर चिपक गया। वो सुनार की दुकान थी इसलिए हीरा मोती पड़े होंगे, तो एक उसके कपड़ों पर चिपक गया। दुकान के एक नौकर ने नसीम के कपड़े पर हीरा देखा तो शोर मचा दिया। अब एक नौकर ने क्या किया, उसके कपड़े में हीरा देखा तो उसे शोर मचाया, चोर चोर पकड़ो इसे, ये हीरा चुरा कर भाग रहा। उसे लगा कि ये चोर है और वो हीरा चुरा कर भाग रहा है। नसीम जैसे ही दुकान से भागने लगा तो सुनार ने उसे पकड़ लिया। सुनार ने भी उसे चोर समझा और पकड़ लिया। अरे मेरे हाथ क्यों चिपक रहे, जब पकड़ा तो उसके सेठ के भी हाथ चिपकने लगे। ठीक भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मैं मुसीबत का मारा हूँ, मेरी परेशानी को समझिए, मैं चोर नहीं हूँ। वो सेठ, ये सेठ है ना, ये रहा सेठ को उसने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी परेशानी को समझिए। नसीम ने सुनार को कटहल खाने की वाली सारी बात सुनाई। हा 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 हा, जो सुनार था वो हंसने लगा। अरे भाई, कोई नई चीज खाने से पहले उसके बारे में पूछ तो लेना चाहिए था, उसने सेठ जी ने आगे से कहा। भाई साहब, बस आप किसी भी तरह मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दीजिए। दुकान के मालिक ने नसीम के हाथ पैर साफ करवाए, उसे पहनने के लिए कपड़े भी दिए। शुक्रिया भाई साहब। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि देखो, सेठ था, उसने इसकी बात सुनी, समझी और मदद की, और उसे वो सही लगा इसलिए उसने उसकी मदद की। अगर वो सही नहीं होता तो उसकी मदद नहीं करता। तो हमें भी पहले बात सुननी समझनी चाहिए, तब हमें जितना हमसे हो सके किसी की मदद करनी चाहिए। मतलब अगले की प्रॉब्लम सुन के, उसकी परेशानी सुन के हट नहीं जाना चाहिए, उस जैसे भी पॉसिबल हो उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे फिर से और राइटिंग करेंगे, ठीक है। वन पेज हिंदी राइटिंग इन योर रिवीजन रजिस्टर, किसमें करेंगे, रिवीजन रजिस्टर में सब बच्चे हिंदी की राइटिंग करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको आगे क्या करना है इसमें, तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।